हेलो हेलो दोस्तों। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप पिछला वीडियो अच्छा लगा। तो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि पंचम दा आर डी बर्मन को ट्रिब्यूट दे रहा हूँ, तो उनके पिताजी एस डी बर्मन सीनियर बर्मन साहब, उनके लिए भी मैं वीडियो लाऊंगा, क्योंकि उन्हीं से सीख के ये आर डी बर्मन सब कुछ, उसके बाद शंकर जय किशन, सब कुछ उन्हीं से सीखा हुआ है सब कुछ। तो ही इज़ अ ग्रेट लेजेंडरी म्यूजिशियन, और इतने ग्रेट है कि हमारे जो क्रिकेट के भगवान है सचिन तेंदुलकर, उनका नाम सचिन पड़ा था इनके नाम से। एस डी बर्मन मतलब सचिन देव बर्मन। तो उन सचिन तेंदुलकर के मम्मी पापा को इतना अच्छा लगता था इनका गाना कि बेटे का नाम रखा था उनके नाम से, सचिन, और जो अपना सरनेम है तेंदुलकर। तो द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का नाम जिनसे पड़ा है उनको ट्रिब्यूट आज हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। पहला गाना ये बजाएगी, हम लोग गाएंगे। ये जो गाना है ये हमारा बहुत फेवरेट गाना है, और इसके लिए मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगी। जब हम लोग शादी के बाद, हम लोगों का जब इवान नहीं हुआ था, तो ये हम लोग दोनों का एक गाना जो था, ये स्टोरी बन रहा था हमारे लिए, तो ये इसलिए हम लोग शेयर कर रहे हैं ये गाना। नन्हा सा गुल खिलेगा सताएगी, कभी तो चंचल है तेरे नैना, देखो ना देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रैना। ये हमारा एक सपने का गाना है। दूसरा गाना मैं गाऊंगा उसके लिए। आप दोगे या फिर मैं ऐसे ही गाऊं? बताओ। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। आए शराबी मौसम बहकाए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए।
तो जस्ट आप इमेजिन कीजिए, आज से 50 साल 60 साल पहले एस डी बर्मन ने ये कंपोजिशन करके दिया था, जो आज आप करोगे तो बोलोगे कि वाओ कितना मॉडर्न फैशनेबल ट्रेंडी गाना बनाया है। 60 साल 50 साल पहले बना हुआ था ये गाना। ये सब भगवान है। तो आज का यही तक था, आई होप अच्छा लगा गाना। प्लीज़ कमेंट कीजिए, और सबसे बड़ी बात, मैं जब एनालिटिक्स देखता हूँ यूट्यूब स्टूडियो में तो सब आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो, हमारे वीडियोस देखते हो, सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं, देखते बहुत लोग हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग के लिए फ्री है, हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है, इंस्पिरेशन आती है, फिर से दोबारा कुछ करने की जज्बा वो पैदा होती है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, घर वालों का ध्यान रखना, मम्मी पापा का ध्यान रखना, बाय बाय बाय।